हेलो बच्चों, अब हम अपने मेन टेक्निकल सब्जेक्ट पे आते हैं। टेक्निकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में SFT BMD पढ़ रहे थे। ठीक, SFT BMD। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट है कि जितने लोग बिहार से रिलेटेड अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग जूनियर इंजीनियर की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे अदर स्टेट की, और अगर वो बिहार के भी एग्जामों को फोकस कर रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल के वीडियो लेक्चर्स चैनल पे अपलोड हुए हैं। ठीक है, जाइए और बिहार से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज GS के हैं उनको भी आप देखकर अपना इंफॉर्मेशन कंटेंट अपलोड कीजिए। ठीक है, उसको यूज़ में लाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, उसके भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हम आगे वीडियो लेक्चर में बनाएंगे। अभी के लिए बिहार जनरल स्टडीज, जितने लोग बिहार के एग्जामों के ऊपर फोकस कर रहे हैं उनके लिए हमने जो न्यू लेक्चर्स वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है, जरूर आपके लिए वो यूजफुल होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, और जितने हमारे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं यार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिससे आपने हमारे कंटेंट को लाइक किया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टेक्निकल सब्जेक्ट पे। चाहे ये BTech सिविल वाले हों, चाहे वो BTech मैकेनिकल वाले हों, चाहे डिप्लोमा कर रहे हों, इन सभी लोगों के लिए एक ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और उसमें SFT BMD, क्योंकि ये SFT BMD ही एक है जो उनको उम्मीद होती है कि सेमेस्टर पास कर लेंगे SFT BMD अगर समझ में आ रहा है हमें तो। और जितने लोग टेक्निकल दे रहे हैं, खासकर जो जूनियर एग्जाम वाले हैं, उनके लिए SFT BMD के कंसेप्ट न्यूमेरिकल से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो SFT BMD के कंसेप्ट बनते हैं। और उसी के हिसाब से जब आप SFT BMD के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब आपके कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्रिस्टल क्लियर होते हैं। तो हम आते हैं अपने न्यू क्वेश्चन पे। न्यू क्वेश्चन में फिर हमने एक बार सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, और इस बार हमने एक लोड लगाया है एक स्ट्रक्चर बना के। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लोड को आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये लोड ऐसे लगा रहा है ना, तो ये जो यहाँ पे खड़ा है कॉलम टाइप का लीजिए या पिलर है, तो ये उसके ऊपर लोड लगा रहा है, जैसे समझ लीजिए है, और इसके ऊपर ये लोड दे रहा है, इसके ऊपर ये लोड दे रहा है, इससे ये मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट आने से क्या होगा, मूवमेंट आने से थोड़ा सा क्या होगा, बीम के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, बीम बेंड करेगा या मूवमेंट लगेगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ से लोड हटा के यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक इस तरफ से 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे और एक इधर से 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। अब एक ऐसे लगेगा, यार ध्यान से सुनना, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये खड़ा किया, मैं नाम देता हूँ A B C D E। ठीक, अब ये नाम दे दिया, इसका नाम है DB, और इसको यहाँ पे लोड दे रहा हूँ, कितने का, 10 किलो न्यूटन का, ये ई पॉइंट है। ठीक, अब आप क्या करो, इस लोड को बीम पे ले आने के लिए, यहाँ पे ले आने के लिए 10 किलो न्यूटन इधर लगाना, तो इसी को ऐसे लगा दो, 10 किलो न्यूटन इधर से भी और 10 किलो न्यूटन इधर से भी। अभी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यहाँ पे कितना है, 1 मीटर। अभी 10 इधर से 10 इधर से लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट कैसे निकालोगे, 10 × 1, 10 किलो न्यूटन मीटर का, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स दोनों मूवमेंट लगा रहा है, इसको भी भूल जाओ, एक इधर से और एक इधर से, ये 10 किलो न्यूटन का मूवमेंट लगा रहा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं फिर उसको हटाएंगे। सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये रिएक्शन फोर्स ए लिख दे रहे हैं, रिएक्शन फोर्स सी, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ये 10 किलो न्यूटन का आएगा ना, क्योंकि 10 × 1, 10 × 1, 10 किलो न्यूटन मीटर, तो बी पॉइंट पे क्या है, क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे। ठीक, 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब ये हॉरिजेंटल है, तो इसको हॉरिजेंटल भी आप यहाँ पे लिख दो, मगर अब इसका कोई जरूरत नहीं है, क्यों,
अब हॉरिजॉन्टल फोर्स का क्या करोगे, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो अब मैं इस फिगर को मिटाऊंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा और फिर SFD BMD डायग्राम हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको क्लियर दिख रही है? एक बार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वीडियो एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। हो सकता अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ और इसको अच्छे तरीके से फिर डायग्राम बनाता हूँ। दोस्तों जितने एस्पायरेंट्स हैं, जितने बीटेक वाले हैं और हमें देख रहे हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो एस्पायरेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, बिना लाइक के प्लीज़ कम से कम बचे, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियोस बनाना और एक कॉमेडी करना दोनों में डिफरेंस है। तो आप अगर लाइक करते हो तो हमारा भी इससे मनोबल थोड़ा बढ़ता है। तो हम एक रिएक्शन फोर्स दिखाते हैं RA और एक रिएक्शन फोर्स RC। बी पॉइंट पे क्या था, मूवमेंट आ गया था 10 किलो न्यूटन मीटर का, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे 3 मीटर और यहाँ पे है 1 मीटर, 1 मीटर ये ना, हाँ ओके ओके ओके, कमाओ कमाओ। अब ये देखो, अब हम यहाँ पे लोड कैसे निकालेंगे, चर्चा का विषय तो ये है कि लोड कैसे निकलेगा। तो सब अब ऊपर फोर्स तो है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में कोई लोड आ नहीं रहा, तो इसको तो हम करेंगे नहीं। तो मूवमेंट ले लो, मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, एक तो आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का लोड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और ये भी आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब दोनों को पॉजिटिव ही मान लो, माइनस RC प्लस RC इज इक्वल टू कितने दूरी पे है, RC ये कितने पे है, 4 मीटर पे। कहाँ से, अगर तुम यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो, ठीक, यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो तो कितना है, 4 मीटर, 4 = 0। देन RC इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 5/2 इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। माइनस आ रहा है मतलब ये लोड ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये लोड आप ऐसे भी देख सकते थे कि नीचे की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि जब ये मूवमेंट ऐसे लेके जा रहा है ना, ऐसे, तब इस बीम को क्या करेगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, बीम को क्या करेगा, ऊपर तरफ, तो इधर से रिएक्शन को नीचे लगेगा। अब कितना लगेगा तो कैलकुलेट करोगे तो आप क्या निकाले हो, 2.5 किलो न्यूटन। अब 2.5 किलो न्यूटन उधर लग रहा है, तो अब आप यहाँ से खड़ा होके अब इसको देखो, अब ये मूवमेंट निकालो, मूवमेंट एट C = 0 करो, यहाँ से निकालो कितने पे, 4 में, RA × 4 क्लॉकवाइज, और ये कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी सेम आएगा, मगर ये पॉजिटिव आएगा, 2.5 किलो न्यूटन, RA = 2.5 किलो न्यूटन। अब ये चीज आ गई, मगर ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर, ठीक, क्योंकि ये लोड जब ऐसे आ रहा है इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये यहाँ से आपको रिएक्शन देगा, और जब इसको लेके इधर जाएगा तो ये नीचे से फोर्स करेगा। अब हम देखते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम में क्या करेंगे, 2.5 किलो न्यूटन है ना, 2.5 किलो न्यूटन है ना, ये इधर से रिएक्शन फोर्स जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार, ठीक, 2.5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शियर फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है और ऊपर जा रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और शियर फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में मगर नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, कितना, 2.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ देखो, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो शियर फोर्स क्या जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन,
कितना जाएगा 2.5, उतना ही जाएगा जितना ही जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। अब दोनों को, अब यहाँ पे बीच में कोई लोड मूवमेंट नहीं है, तो आप सीयर फोर्स देखना है ना, कोई लोड नहीं है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दोगे, दैट मीन्स पॉजिटिव सीयर फोर्स डायग्राम। बस सिंपल कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब है BMD, अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के मूवमेंट पता होना चाहिए। मूवमेंट कैसे पता करोगे, अब ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, सी पॉइंट ए पॉइंट, रिएक्शन फोर्स जीरो होगा, मूवमेंट क्या होगा जीरो, क्यों, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट एट बी, मूवमेंट एट बी कैसे निकालोगे, यहाँ पे खड़े हो जाओ, आरे पे देखो, आरे पे देखो, मूवमेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है और क्लॉक वाइज है तो क्या लोगे पॉजिटिव, मूवमेंट अगर राइट हैंड डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉक वाइज है तो क्या लोगे पॉजिटिव। यहाँ से क्लॉक वाइज लो तो 2.5 × 3, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 2.5 × 3 7.5 किलो न्यूटन। अभी देखो क्लॉक वाइज आ रहा है ना, ऐसे आरे देखो क्लॉक वाइज आ रहा, तो 2.5 × 3 7.5 किलो न्यूटन मीटर, 7.5 किलो न्यूटन मीटर आ रहा। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करोगे, लीनियर, जब SFD हॉरिजॉन्टल होगा तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लीनियर, कितना 7.5 किलो न्यूटन मीटर। हम कोई भी चीज अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ठीक, हमने चार्ट बनवाया है, चार्ट में हर चीज लिखवाया हुआ है, और अगर आप मेरा चार्ट नहीं देख रहे हो तो आप जरूर कंफ्यूजन में होंगे। मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 5 लेक्चर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिया है, 4 कंसेप्चुअल जो टॉपिक हैं, कंसेप्ट हैं, उनको लगाया सिखाया है, ठीक है। तो आप पहले उनको सीखें तब न्यूमेरिकल देखें, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई है। 7.5 किलो न्यूटन। अब इधर से देखो कितना मूवमेंट आ रहा है, अब ये देखो मूवमेंट एट एंटी क्लॉक वाइज जब रहेगा तो पॉजिटिव, मगर यहाँ क्या है क्लॉक वाइज है, क्या है क्लॉक वाइज, घड़ी की तरह से, तो नेगेटिव आना है, ये तो पता चल गया नीचे की तरफ। अब कितना 2.5 है और कितना है 1 मीटर पे, 2.5 है 1 मीटर पे, तो नीचे आ जाओ 2.5, कितना आ गया 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब इस दोनों को जोड़ के देखो कि तुम्हारा 10 किलो न्यूटन मीटर आता है कि नहीं, आ गया। जब 7.5 और 2.5 जोड़ोगे तो 10 किलो न्यूटन मीटर जो बी पॉइंट पे लग रहा है वो लग रहा है। ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। इस तरह मैंने एक और SFT BMD का न्यूमेरिकल आपके सामने पेश किया, सॉल्व किया, ठीक है, अपने तरफ से पूरी एनर्जी लगाई। आप भी अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ समझो, ठीक है। और मैकेनिकल्स, जितने स्टूडेंट मैकेनिकल्स के हैं और जितने JEE की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियो से आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा मोटिवेशन को और बढ़ाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट SFT BMD के लेक्चर क्लास में, फिर से नए न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।